नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस साइकिल में ब्रेक लाइट लगाना दिखाऊंगा जो कि आप खुद ही बनाएंगे और इस पे लगाएंगे, जो कि आपने बचपन में बहुत सारे ट्राई किए होंगे, बहुत सारे लाइट्स भी आप लगाए होंगे। तो आप आज सिंपली ब्रेक लाइट कैसे लगाते थे हम इसे देखते हैं। तो दोस्तों यही सामान से हम ब्रेक लाइट बनाएंगे, तो इसका मैंने कैसे कनेक्शन किया है मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए सिंपली कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैक्सिमम 30 से 40 रुपीस तक मिल जाएगा, जिनमें से दो रेड कलर की वायर और एक ब्लैक कलर की वायर लिया है। तो सिंपली पहले ब्लैक कलर की वायर को हम बैटरी कैप के ब्लैक कलर के वायर के साथ जोड़ लेना है और इसे सोल्डरिंग करके ज़्यादा मजबूत कर लेना है। अभी बाकी बचा रेड कलर के वायर को हम सिंपली एक वायर लेंगे रेड कलर का और इसे इसके साथ जोड़ लेना है, तो ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो अभी एलईडी लाइट को टेस्ट करते हैं और इसे इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जो बाकी बचा हुआ रेड कलर का लाइट है और उसके साथ जोड़ लेते हैं। तो अभी रेडी हो चुका है और बाकी रहा जो ये ब्लैक कलर का वायर हमने अभी सोल्डरिंग किया था, उसी ब्लैक कलर के वायर को हम एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल जो कि बचा हुआ टर्मिनल भी आप कह सकते हैं उसके साथ आपको सोल्डरिंग कर लेना है। तो ऐसा ही कुछ सर्किट बन के रेडी हो चुका है। तो सिंपली इस बैटरी से करंट आएगा और लाइट को ग्लो कराने के लिए सर्किट कंप्लीट करना है। तो अभी ये जो गैप रखा है इसमें से ही हम ब्लेड को लगाएंगे ताकि वो आपस में स्विच के जैसे काम करे। तो ये दो पत्तियों को हम सेपरेटली सोल्डरिंग कर ले रहे हैं, जब ये आपस में लगेगा तभी ये सर्किट कंप्लीट होगा और लाइट ग्लो करेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कैसे ग्लो करता है। तो देखिए दो पत्तियों को आपस में लगाते ही लाइट ग्लो कर रहा है। तो दोस्तों हम अभी इसी जगह पे ही इसका सिस्टम लगाएंगे, जैसे कि हम ब्रेक दबाते ही इसे जलेगा, तो इसी मैकेनिज्म में हम इस लाइट को फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो ब्लेड की दो पत्ते हैं इसको हम कनेक्ट करते ही लाइट जलता था, तो हम इसे यहाँ पर ऐसे सिस्टम में लगाएंगे जैसे कि ये दोनों ब्रेक दबाते ही आपस में जुड़ जाए और लाइट जले। तो ऐसे ही कुछ सिंपल इसका सिस्टम रहेगा, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों सिंपली एक पत्ते को हम इधर से फेविक्विक के मदद से इधर आपको लगा देना है, कुछ टाइम छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से सूख सके। तो दोस्तों देखिए एक जो कि हमने लगाई है फेविक्विक से, तो दूसरा जो लगाएंगे पत्ती को हमने इस जगह पे लगाना है ताकि जो कि हम ब्रेक मारे तो ये आपस में जुड़ जाए। ये देखिए ब्रेक मारने से इसका कैसे मैकेनिज्म काम करता है। तो हम इधर हम ब्रेक दबाते ही देखिए ये जो निचला वाला चीज़ है ये ऊपर जाता है, तो ये निचले वाले चीज़ पे ही हमको सेकंड पत्ता लगाना है। तो देखिए ये जो ब्लेड को पत्ता है इसको हमने सिंपली थोड़ा सा छोटा सा ऐसे तोड़ देना है, ऐसे बन जाएगा ब्लेड का ट्रायंगल शेप का, थोड़ा सा मोड़ लेना है। तो दोस्तों देखिए ऐसे ही कुछ ब्लेड की दो पत्तियों को हमने फेविक्विक की मदद से लगा लिए हैं, देखिए ब्रेक दबाते ही आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसका वायर का हम कनेक्शन अभी कर लेते हैं जो कि साइकिल में अच्छे से लगा लेते हैं। तो वायर को हम इस तरीके से लगाएंगे ताकि वो बाहर ज़्यादा ना दिखे, तो हम सिंपली इस ब्रेक वायर के साथ ही इसे लेंगे और इसे सेलो टेप के माध्यम से इसे अच्छे से जोड़ देंगे अंदर की तरफ। तो देखिए ऐसा ही कुछ दिखेगा। तो अभी इस बैटरी को हम आप भी कोई भी साइकिल की जो भी हिडन पोर्शन हो इस पे आप लगा सकते हैं। मैं इसे टाई की मदद से इसे यहाँ पर बांध देता हूँ और इसे ब्लेड के माध्यम से काट भी लेता हूँ, तो ऐसे ही कुछ दिखेगा बैटरी। और बाकी रहा ये एलईडी लाइट, तो एलईडी लाइट के पीछे आपको ये चिपकाने वाला ग्लू जैसा मिल जाता है, या आप बाहर से भी कोई ग्लू लगा के साइकिल की जो बैक लाइट है कि जहाँ पर आप लगाना चाहते हो उधर आप लगा सकते हैं। तो अभी जो एक्सटर्नल वायर है उसे हम मैनेज करेंगे। तो दोस्तों हमने फाइनली हमारा वायरिंग कंप्लीट कर चुके हैं साइकिल पे। तो देखिए ऐसे सब नॉर्मल दिखेगा जैसे कि नॉर्मल साइकिल में होता है। अभी देखिए इसका जो कि मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, पास में डिस्क के पास देख सकते हैं कैसे दो पत्तियों के बीच में ऐसे स्विच जैसा बना रखा है। तो देखिए इसका मैकेनिज्म। तो अभी शाम हो चुका है, अभी इसको टेस्ट करते हैं कैसे ग्लो करता है देखते हैं। तो देखिए अभी ब्रेक में दबा रहा हूँ, देखिए गाइस कैसे जो कि अच्छे से लाइट ग्लो भी करा रहा है पीछे से। ऑसम लुक दे रहा है, देखिए। तो ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे ही आपको अगर इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।